जय महाकाल। मेरे प्रिय सनातनियों, जैसा कि आपको पता है कि विजन आईएएस की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसके ऊपर क्या है, सुदर्शन न्यूज ने दो वीडियोस बनाए हैं और उन्होंने कहा कि भाई आप एक बार आके हमसे मिलिए और बात करिए, आप ये ऐसे झूठ क्यों फैला रहे हो। तो उसके ऊपर क्या है कि मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा कि वो लोग, मतलब ये जो लोग है ना माफिया, यूपीएससी माफिया वाले लोग, कोचिंग वाले, ये कैसे मतलब उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं सुदर्शन जो न्यूज के रिपोर्टर है उनके साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर सुदर्शन विरोध नहीं करेगा और सच्चाई सामने नहीं आएगी तो ये भी असंभव नहीं है। हमारी टीम ने विजन आईएएस से बात करने के लिए वहां प्रत्यक्ष पहुंचकर, क्योंकि ना फोन पर आ रहे थे ना मेल का जवाब दे रहे थे, प्रत्यक्ष पहुंचकर बात करने का प्रयास किया। मैं कानूनी सबूत के तौर पर भी इस वीडियो का उपयोग करने के लिए इसको दिखा रहा हूं। देखिए हमारे रिपोर्टर सागर अकेले वहां पहुंचकर हिम्मत के साथ क्या पूछ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने एक सीरीज चलाई थी यूपीएससी जिहाद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, लेकिन कैसे हमारी वो जो शो था उसके बाद देश भर से ऐसे ऐसे अलग अलग जगह से वीडियो आ रही हैं जिसमें ये साबित होता है कैसे ये लोग एक इस्लामी एजेंडे के तहत, एक बहुत बड़ी मिशनरी के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसी में से आपने पिछले कुछ दिनों देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज वायरल हैं करोलबाग के अंदर, इनके बहुत सारे इसी तरह से इंस्टीट्यूट हैं। ये विजन आईएएस, कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाए, ये विजन आईएएस ऑफिस का इंस्पायरिंग इनोवेशन, ये इनका यहाँ पर एक ऑफिस है जहाँ पर आपने देखा होगा कैसे औरंगजेब को महान बताया गया है, टीपू सुल्तान को एक राष्ट्रवादी बताया गया, और कैसे पूरी तरह से हिंदू विरोधी एजेंडा यहाँ पर ये चला रहे हैं कैसे, और एक इस्लामिक एजेंडे के तहत इनकी ये कोचिंग चल रही है। और बच्चों के बहुत सारी ऐसी वीडियोज सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कैसे माता के जागरण से, देखिए माता के जागरण से एक दिक्कत है उसमें भी ये बताया गया है, और कई सारी ऐसे सोनू निगम ने जब अजान पर ट्वीट किया था उस पर भी बताया गया। हालांकि मैं पिछले एक घंटे से यहाँ पर इनके ऑफिस के बाहर हूँ और बात करने की, इनके जो सीनियर लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे मना कर दिया, यहाँ पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर देखिए मना कर रहे हैं कि कैसे नहीं, आप कैमरे के हाथ नहीं लगाएंगे, आप हट जाइए दूर, कैमरे के हाथ नहीं लगाएंगे, आप हट जाइए, आप हट जाइए वहां से, इनकी दिखाइए नहीं, देख दीजिए आप दूर, इधर आइए, आप छेड़ नहीं सकते, हम इनके प्रमाइसेस के अंदर नहीं है, इन्होंने हमें मना कि आप दूर रहिए थोड़ी देर के लिए, आप इधर आइए, आप देखिए इन्होंने यहाँ बनाने के लिए कैसे इन लोगों ने मना किया गया। और तमाम ये लोग अब जिस तरह से हर, आप मुझे काम करने दीजिए, मैं आपके अंदर नहीं जा रहा हूँ, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे कुछ भी, देखिए किस तरह से इनका, हालांकि जो काम था, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं, आप किधर आए, ये सीनियर है यहाँ पे एडमिन, इन्हीं से ही मेरी बात हुई थी, आप सर कुछ बता रहे थे, आप बताइए कैसे एक इस्लामी एजेंडा आप लोग चला रहे हैं, खुद भाग रहे हैं, एक आपको दिक्कत है, आप यहाँ पर सीनियर हैं और आप हमें यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने से भी मना कर रहे हैं, मतलब बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए कि किस तरीके से जिसने बोलना है जो झूठ परोसा जा रहा। तो आपने देखा ये पूरा वीडियो कैसे ये लोग बात ही नहीं करना चाह रहे, मतलब एक तो अपने कोचिंग सेंटर से झूठ परोस रहे हैं और जब इनके फैक्ट मांगने इनके पास जाते हैं तो ये ऐसे कर रहे, देखो आप दादागिरी कर रहे, लोगों के वीडियो उड़ा रहे। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाइए क्योंकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जाना बहुत जरूरी है और इन जैसे कोचिंग माफियाओं का पर्दाफाश होना भी जरूरी है। जल्द ही मिलते हैं, जय महाकाल।